नमस्कार, खबर की दैतक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अंबिका भारती और अब समाचार देपालपुर से। सोशल मीडिया पर विधायक विशाल पटेल के खिलाफ गलत टिप्पणी करने पर दिया ज्ञापन। देवालपुर क्षेत्रीय विधायक विशाल जगदीश पटेल के खिलाफ सोशल मीडिया पर गलत टिप्पणी करने पर दोषियों के खिलाफ नमजा शिकायत करते हुए अर्जुन बाधा पिता नंदू बाधा भोला सोलंकी पिता मधु सोलंकी के द्वारा विधायक के खिलाफ गलत टिप्पणी करने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हेतु युवा कांग्रेस द्वारा विधायक प्रतिनिधि राजेंद्र दुबे ने कांग्रेस अध्यक्ष लड्डू यादव के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस थाना पर जाकर थाना प्रभारी मीना कर्नावत को ज्ञापन देते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि नगर का माहौल खराब न हो। यदि पुलिस द्वारा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर भारत नगर दीनदयाल चौबे करामत खान सचिन पटेल रवि सोलंकी मोहन ठाकुर लखन गौंड सूरज धाकड़ जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष राजा दयाल सोनू योगी आदि उपस्थित थे। गलत तरीके से उसको पेश करके गलत टिप्पणी की, उसी के संबंध में हम सब सभी कांग्रेस परिवार के लोग और समस्त वरिष्ठ लोगों के साथ हमने माननीय थाना प्रभारी को ज्ञापन दिया है कि जिन लोगों ने माननीय विधायक विशाल पटेल की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसी संबंध में आज हमने आवेदन दिया है। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो हम इसका कोई बड़ा आंदोलन करेंगे। किस तरह की क्या जो टिप्पणी की गई है और क्या सोशल मीडिया के माध्यम से किस प्रकार से कुछ किया? टिप्पणी में जिस प्रकार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, इसी नारे को चरितार्थ करते हुए कांग्रेस परिवार हमेशा काम करते आ रही, लेकिन पक्षीय दल जो अभी सत्तारूढ़ पार्टी है उन लोगों का कहीं ना कहीं जहाँ पे कांग्रेस के विधायक है उन विधानसभाओं में उस विधानसभा में निशाना लगाकर हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर कहीं ना कहीं वोटों की राजनीति करना है। और ये हम पूरा कांग्रेस परिवार ये जो शांतिप्रिय माहौल है हम बिगड़ने नहीं देंगे और प्रयास करेंगे कि ये जो भावना जहरीली भावना फैला रहे हैं हम इसको रोकेंगे।